हेलो एवरीवन। सो गाइस, अभी अभी आरआरबी जेई के एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आपने नंबर ऑफ वैकेंसीज जरूर देखी होंगी। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर, क्या टोटल पोस्ट जो इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस में निकली हुई है, क्या वो बढ़ सकती है क्या? यहाँ पे कुछ पोस्ट, 17 पोस्ट यहाँ पे आरआरबी गोरखपुर के लिए, यहाँ पे केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर की निकली हुई है, और उसके बाद जूनियर इंजीनियर के लिए और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड समथिंग निकला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 7,934। अब बहुत सारे बच्चों का ये सोचना होगा डेफिनेटली कि सर, पर्टिकुलर जोन में तो वैकेंसीज इतनी होंगी नहीं, वैकेंसीज कम होंगी, क्या यहाँ पे ये नंबर इंक्रीज हो सकता है? मैं आपको कुछ बातें बहुत बेसिक हैं जो आपको बताना चाहूंगा कि जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली ये बढ़ या घट सकता है। इनफैक्ट जब फाइनल नोटिफिकेशन आता है उसके बाद भी बहुत बार रिवाइज होता है नोटिफिकेशन। जैसे कि आपने देखा UP SSSC JEE के नोटिफिकेशन में वैकेंसी शुरुआत में निकाली गई कुछ, और उसके बाद बढ़ते 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 4,500 से भी ज्यादा वैकेंसीज हो गई। तो गाइज, यहाँ पे भी 100% पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जो अभी आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिस देखने को मिला है, वो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिला है, वो न्यूज़पेपर की कटिंग है, राइट? आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर 30 तारीख यहाँ पे मेंशनड है कि 30 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, तो 30 तारीख तक आप इंतजार जरूर करिएगा। लेकिन उम्मीद यह है कि यहाँ पे आरआरबी में, आरआरबी जेई की वैकेंसी यहाँ पे लगभग लगभग 10,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। नो डाउट यहाँ पे जो वैकेंसीज अभी देखने को मिल रही हैं, ये भी कम नहीं है। जो उम्मीद थी, जो कयास लगाए जा रहे थे कि लगभग 4,000 से 5,000 वैकेंसीज आ सकती हैं, क्योंकि हर साल रिक्रूटमेंट करने का वादा किया इन्होंने, तो यहाँ पे जो नंबर आपको अभी भी दिख रहा है ये भी कम नहीं है। 7,500 के आसपास यहाँ पे जेई की पोस्ट होंगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा उन सभी बच्चों से कि जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वो अभी, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि सर, इस एज क्राइटेरिया में तो मैं आ रहा हूँ, मैं एलिजिबल तो हूँ। यहाँ पे 3 वर्षों का रिलैक्सेशन और बढ़ा दिया गया कोविड की वजह से, तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे बच्चे एलिजिबल तो होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, क्या सर मेरा CBT 1 क्लियर होगा? CBT 1 चूंकि नॉन टेक है, टेक्निकल फील्ड में आप बहुत समय से लगे हुए हो, 100% होगा गाइज। और CBT 1 नॉन टेक इसका उस लेवल तक नहीं आता है जो आप सोच रहे होगे मन में कि सर CGL के क्वेश्चन आ जाएंगे। नहीं बेटा, नॉन टेक्निकल आपका, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आज ही कराए गए हैं यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल फ्री है नॉन टेक्निकल का, CBT 1 का, उसको जरूर देखना, उससे आपको आइडिया लगेगा। और सबसे अच्छी बात है कि इस नॉन टेक्निकल पोर्शन के साथ साथ टेक्निकल में तो तुम महारथी हो, और तुम ये सोच रहे हो कि सर नॉन टेक्निकल वाले बच्चे आके यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे जो टेक्निकल छोड़ चुके थे, क्या वो, उनके साथ मेरा कंपटीशन हेल्दी हो पाएगा? 100%, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको टेक्निकल पे जितनी मेहनत करनी है आपको नॉन टेक्निकल पे करनी है। और एग्जामिनेशन अल्टीमेट गोल आपका होना चाहिए, एग्जामिनेशन क्लियर करना। क्लियर उसी का होगा जिसके दोनों पोर्शन स्ट्रांग होंगे। तो टेक्निकल पढ़ते रहो, नॉन टेक्निकल को साइड बाई साइड आपको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव कैसे होगा? एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे पढ़ना पड़ेगा जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। आरआरबी जेई की खासियत है, मैं आप सभी को बता दूं, आरआरबी जेई में नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस एक फिक्स पैटर्न पे पूछे जाते हैं, उस पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीटेटिव मोड पे आते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। और सबसे सही गाइडेंस आपको वही दे सकता है जो इन एग्जामिनेशन को दिया हो, जैसे कि हम लोग और आप सबको बता रहा हूँ गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एग्जामिनेशन क्लियर करना, एग्जामिनेशन के कट ऑफ क्लियर करने के चक्कर में पढ़ाई करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज स्कोर, अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए पढ़ेंगे, वो डेफिनेटली एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे। कोशिश ये नहीं करना है कि 70 नंबर ला दें सर तो हमारा क्लियर हो जाएगा, कोशिश ये करना है कि हम गलत एक भी ना करें, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करें, क्यों ना हमारे 90 मार्क्स आए, 85 मार्क्स आए, उसके लिए आपको पढ़ना है। और उसके लिए तभी क्लियर होगा जब हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और उनके लिए, जो बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात करते हैं, उनके लिए आरआरबी जेई के सिलेक्टेड बैचेस हैं। आप में से जिसको मन करता है केवल CBT 1 के लिए पढ़ना, CBT 1 का बैच, और जिसको मन करता है CBT 1 और CBT 2 कंप्लीट, एक ऐसा बैच दे दो गुरुजी जिसको हम ज्वाइन कर लें। और यहाँ पे जो प्राइस दिख रही है, यहाँ पे 1199, 2299, इस प्राइस से भी कम प्राइस में मिल जाएगा Adda 24/7 एप्लीकेशन पे। और कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊँ, एक कूपन कोड याद रखना, Y293 याद रखना, ये डिस्काउंट कोड है। इस कूपन कोड को आप यूज करेंगे आरआरबी जेई के बैच को ज्वाइन करने के लिए, तो सबसे लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको टेक, नॉन टेक सब कुछ बिल्कुल बेसिक से इसमें पढ़ाया जाएगा। नया बैच अवेलेबल है, जैसा मैंने बोला आपको एक निश्चय बैच अवेलेबल मिलेगा CBT 1 के लिए, और एक आरंभ 1.0 बैच मिलेगा आरआरबी जेई 2024 के लिए। ये CBT 1
सीबीटी टू दोनों को इंक्लूड करेगा, कंप्लीट सिलेबस इसमें आपको मिलेगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलती रहेगी। बहुत नॉमिनल प्राइस में 2,000 रुपये में, 1,900 रुपये में आपको बैचेस मिल रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़िए पॉजिटिव नोट के साथ। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।